टाइम हमने किया था, लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, बोहर्स थ्योरी स्टार्ट की थी जिसके अकॉर्डिंगली अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास मूव कर रहा है इनर रेडियस ऑफ आर तो घूमने के लिए किस फोर्स की जरूरत है, सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के लिए हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटोन है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर लिया, यहां से एमवी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ना घूमे कहीं और घूमे तो एमवीआर एंगुलर मोमेंटम इज एनएच बाय 2 पाई, ये हमने डिस्कस किया था एनएच बाय 2 पाई। यहां से वेलोसिटी वी की वैल्यू आ गई, इस वी को उठा के ऊपर पुट कर देने, जब ऊपर पुट करेंगे तो ये ऊपर पुट कर दिया, यहां से आर की वैल्यू आ गई। ठीक, ये लास्ट टाइम हमने किया था, मैं सिर्फ एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, इस आर की वैल्यू को मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो सॉरी इस आर की वैल्यू को मैं वी के अंदर पुट करूंगा, जो अभी हमने वी निकाला था यहां पे, ये आर की वैल्यू यहां पर आ रही थी, तो जो भी मैंने रेडियस आर की वैल्यू निकाली वो यहां पुट करूंगा तो वेलोसिटी वी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से हमने वी की वैल्यू निकाली है, एक्सप्रेशन हमने किया। नेक्स्ट है टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे न्यूक्लियस के आसपास तो उसके पास दो एनर्जीज है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एमवी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, और एमवी स्क्वायर की वैल्यू हम पीछे से निकालेंगे, ये मेरे पास एमवी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी है, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लूंगा दोनों साइड्स को, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन में ये एनर्जी है और ये वैल्यू आ गई इन नेगेटिव साइड, पोटेंशियल भी आ गई काइनेटिक भी आ गई, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, मैंने ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, सॉरी टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। हम आर रेडियस को तो निकाल ही चुके हैं, मैं इस आर रेडियस को यहां पर पुट कर दूंगा, जो भी मैंने पीछे निकाला था मैंने पुट किया तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास टोटल एनर्जी की एन की टर्म्स में, एन का मतलब शेल नंबर 1, 2, 3, 4 या क्या शेल नंबर है, यहां तक क्लियर है, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। यहां से टॉपिक आया एनर्जी क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन स्टेट्स दैट एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के अंदर फिक्स है, आप एन 1 पुट करोगे एनर्जी कांस्टेंट है फर्स्ट शेल में, 2 पुट करोगे एनर्जी कांस्टेंट है सेकंड शेल में एंड सो ऑन, तो दिस इज नोन एज एनर्जी क्वांटाइजेशन, याद है क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट है 3 के लिए एंड इन्फिनिटी के लिए, एन इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा, अगर एन डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, 0, तभी तो बहुत दूर जाके जो शेल है उसमें एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर शेल में गया, उसको नीचे आने दो, नीचे आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, डिपेंड करेगा कि वो कितने ऊपर शेल में चला गया, जितना शेल ऊपर गया एनर्जी का डिफरेंस उतना ही ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा ज्यादा या कम उसके बेस पे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ऑब्वियसली जब एनर्जी रिलीज करेगा तो लेट से लाइट की फॉर्म में रिलीज करेगा, तो अगर वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है तो लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, तो अगर डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज की लाइट निकलती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके अंदर हमने क्या किया कि सपोज करो ये एनर्जी का फॉर्मूला था, तो लेट से सबसे पहले एन आई शेल में इलेक्ट्रॉन है, एन आई का मतलब इनिशियली एन आई शेल में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी उसके कोरस्पॉन्डिंगली ई आई, ऐसी नेक्स्ट है ई एफ, एन एफ मीन्स फाइनल शेल में इलेक्ट्रॉन चला गया तो एनर्जी फाइनल कितनी है ई एफ है, ये भी पॉइंट क्लियर है। तो सपोज करो इस केस में एन आई इज ग्रेटर देन एन एफ,
एन आई ग्रेटर देन एन एफ का मतलब ये पहले इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहर के शेल में था, अब इलेक्ट्रॉन अंदर के शेल में आ गया, क्योंकि अगर बाहर था तभी तो एनर्जी ज्यादा थी, अगर अंदर है तो एनर्जी कम है। इट मीन्स कि मैं एनर्जी डिफरेंस निकालूंगा ई आई माइनस ई एफ। इन शॉर्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें शेल को मैं ऊपर नहीं भेज रहा हूं, शेल इलेक्ट्रॉन अपने आप ऊपर वाले शेल से कहां रहे, नीचे शेल में आ रहे तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? एच न्यू एनर्जी रिलीज करेगा, मीन्स न्यू इज दी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एनर्जी एन ई आई पुट कर दिया, ई एफ पुट कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यहां पर मल्टीप्लाई आएगा, प्लीज चेक, मुझे मालूम नहीं, ये करेक्शन है, ओके करेक्शन कर लेना, लास्ट ईयर ही मैंने इंक्लूड किया ये टॉपिक को, तो करेक्शन कर लेना। यहाँ पर शायद प्लस है, माइनस है, क्या है? माइनस है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि मैंने इनमें से इसमें से ये टर्म को कॉमन निकाल लिया, इसमें से ये टर्म कॉमन है और ये मेरे पास कॉमन आ गया। सबको क्लियर है यहां तक? हाँ मोहित, समझ आ रहा है? ठीक है ना? ठीक। नेक्स्ट है ये मेरे पास वैल्यू, मेरे ख्याल से यहां भी मल्टीप्लाई आएगा, ये भी मल्टीप्लाई है, दिस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई। करेक्शन कर लेना। वैसे करेक्शन तो क्या करना है यार, आपने खुद ही ड्राइव तो खुद ही करना है, याद तो कौन करके जाएगा ये स्टेप? ठीक बोल रहा हूँ ना, मतलब इसमें याद तो करना नहीं है, बस माइनस ही पुट करना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से ये मेरे पास जो एच था बेसिकली यहां गया, तो ये एच स्क्वायर की जगह एच क्यूब बन गया। ये मेरे पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई और मुझे पता है सी इज न्यू लैम्डा, न्यू इज सी बाय लैम्डा, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, सी राइट साइड पे चला गया, वन बाय लैम्डा आ गया। ठीक, मतलब कितनी वेवलेंथ बाहर निकलेगी वो निकालने की कोशिश की है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आएंगे डिपेंडिंग किस शेल से किस शेल में आ रहे हैं, एन आई कितने, एन एफ कितने, डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा निकलेगा। एन आई एन एफ डिफरेंट करोगे, लैम्डा की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। मैं सिंपली एक चीज अज्यूम कर रहा हूँ, ऊपर के शेल से नीचे की शेल तक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब आप जैसे मर्जी कर लो, एनर्जी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, पर मैं ये कहना नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन नीचे शेल से ऊपर शेल में जा रहा है, क्योंकि उस केस में एनर्जी मेरे को देनी पड़ती है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ स्पेक्ट्रल लाइन, वो तो दिखेंगी मेरे को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइट दिखेंगी, और वो तभी दिखेंगी जब इलेक्ट्रॉन अपर हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है। ठीक है ना? मतलब आप क्या कहना चाहते हो, एन एफ माइनस एन आई? आप ऐसा कह लो एन एफ माइनस एन आई प्रोवाइडेड एन आई की वैल्यू शुड इज ग्रेटर देन एन एफ की वैल्यू, मतलब आप बाहर के शेल से अंदर के शेल में आ रहे हो। कैसे होगा माइनस साइन एनर्जी में कॉन्ट्रेक्ट कैसे होगा? माइनस साइन भी तो है, जितनी ऊपर जाओगे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है पर आपकी ओवरऑल एनर्जी तो बढ़ रही है ना। ठीक है ना? समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो माइनस किया लैम्डा आ गया, इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमसे याद नहीं किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में इस पूरी टर्म को आर एच का नाम देंगे, आर एच जिसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.09678 इनटू 10 की पावर 7, तो ये फाइनली मेरे पास 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला आ गया। 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला आर एच इंटू 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स, क्या न्यूमेरिकल्स क्या आएंगे वो तो मैं आपको अच्छे से भी बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, यहां तक? न्यूमेरिकल्स में आपकी बुक्स में कुछ और तरीके के फॉर्मूलाज यूज करती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या फॉर्मूलाज है, अभी वो असाइनमेंट अभी आ रही है, फोटोकॉपी के लिए गई हुई है, उसमें आइडिया दूंगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है सो अबव इक्वेशन गिव्स वेवलेंथ ऑफ, कहानी है सारी कि ये वो वेवलेंथ की वैल्यू देगी अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर गया फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल, तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि अगर सपोज करो आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे, लेकिन अगर वो कहां पर गिरता है n = 1 में,
n इज इक्वल टू वन में, तो कुछ वेवलेंथ बाहर निकलेगी, उस वेवलेंथ की सीरीज को हम क्या बोलेंगे, लेमन सीरीज, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। और अगर सपोज करो वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे, लेकिन उसका अगर फाइनल शेल कहां पर है, एन इज इक्वल टू टू, तो इट मीन वो किस सीरीज को बिलोंग करेगा, बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट है अगर एन इज इक्वल टू थ्री तो पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पिफन सीरीज। ठीक हो गया यहां तक? तो बेसिकली इसमें क्या है कि एग्जैक्टली यही चीज बताई गई है, लेमन सीरीज में मैंने बता दिया कि फाइनल एन एफ की वैल्यू शुड बी इक्वल टू वन वन। और ये याद रहे कि जब भी इसमें से लाइट बाहर निकलेगी वो हमेशा बिलोंग करेगी यूवी रीजन को, अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करेगी, याद रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में काम आ सकता है और एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है अगर सपोज करो बाल्मर सीरीज है तो एन एफ की वैल्यू टू है, एन एफ की वैल्यू टू है, और इस केस में अगर एन एफ टू है तो, और हाँ एन वन की वैल्यू, एन आई की वैल्यू रादर, एन आई की वैल्यू शुड बी थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, क्योंकि इनिशियल शेल फिर टू से बड़ा ही होगा ना जहां से वो गिर रहे हैं, टू पे गिरना चाहिए। अब टू से टू पे तो गिरेगा नहीं, थ्री से टू पे गिरेगा, फोर से टू पे गिरेगा, फाइव से टू पे गिरेगा, तो थ्री फोर फाइव। और यहां पर जो लाइट बाहर निकलेगी वो किस रीजन को बिलोंग करेगी, विजिबल रीजन को बिलोंग करेगी। रोज लेके आनी है आपने एक महीने तक, ये रोज लेके आनी है एक महीने तक। बोलो, ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हाँ सर क्वेश्चन नहीं है, वो आए हुए क्वेश्चन है पुराने साल के, मतलब मैं समझता हूँ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा नहीं सकता, अगर चला गया तो फिर बहुत ही बुरी किस्मत होगी मेरे ख्याल से। मतलब मॉडर्न फिजिक्स में तो पूरा हमारा मतलब वो चलना चाहिए, अगर चार क्वेश्चन आ गए तो समझो फिर चार के चार हो जाने चाहिए, इस असाइनमेंट के बाद होने चाहिए वैसे। चलो क्वेश्चन सीरीज देखते हैं, तो एन एफ फाइनल शेल यानी कि थ्री है और फोर फाइव सिक्स से इलेक्ट्रॉन गिरेगा, कहीं से भी गिरेगा, ये भी बिलोंग करती है इन्फ्रा रेड रीजन को बिलोंग करेगी, याद रखना ये भी आपने। नेक्स्ट जो सीरीज है एन एफ की वैल्यू फोर है, गिरेगा कहां से, फाइव सिक्स सेवन से, और ये बिलोंग करेगा इन्फ्रा रेड रीजन को। नेक्स्ट जो सीरीज है फाइनल फाइव है और फिर से बिलोंग करेगा इन्फ्रा रेड रीजन को, ये आपने याद रखना है। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें एनर्जी एनथ शेल में क्या होगी ये फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर लो एक्सेप्ट एन स्क्वायर, जब सारी वैल्यूज पुट करोगे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर है, 1/4πε0, प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसी भी शेल के अंदर, अगर आप किसी भी शेल किसका, हाइड्रोजन का, ये पूरा चैप्टर सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के किसी भी शेल में अगर एनर्जी निकालनी है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया यहां तक? नेक्स्ट है, जैसे n की वैल्यू अगर 1 है फर्स्ट शेल में तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो उस केस में जो भी एनर्जी आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, 3 है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, एंड सो ऑन। ठीक, इसमें कोई याद करने वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल है। एन की वैल्यू इन्फिनिटी है तो एनर्जी विल बिकम जीरो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इस असाइनमेंट में, सिंपल है। ये मैं आपको बता चुका हूँ सारे का सारा, यूवी रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेज है एंड इंफ्रारेड रेज है, याद तक क्लियर है, डायग्राम है नहीं, चलो वो मैंने थ्योरी में बताई दी, कोई बात नहीं। एक्साइटेशन एंड ये भी नहीं है, वो करवा चुका हूं मैं ये वाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है। तो थ्योरी वाला पार्ट तो यहां तक है, थ्योरी वाला पार्ट सिर्फ यहां तक है, ठीक, मतलब ये चैप्टर आपका खत्म है, बस करो दिव्या। ड्यूअल नेचर, आपको ये क्यों,
असाइनमेंट क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स हैं और ये चैप्टर बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट होगा 9 बजे तक मुझे लगता है ये। अगली बार का टेस्ट तैयार है आपका फिर से। हाँ जी, आज का चैप्टर ये जो आज मैंने करवाना है वो सारा टेस्ट में देना है मैंने। सर जी मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, जब तक अब सिलेबस खत्म नहीं होगा ना, ये तो आपके सिर पे मुसीबत पड़ी ही रहेगी और इसकी ग्रेडिंग भी होती रहेगी। रिजल्ट तैयार है, सुन लो, और प्लस वन को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुका हूँ, प्लस टू का मैं बता दूंगा। अभी आपके घर में कॉल भी जाएंगी और याद रखना ये बेस्ट तरीका है ग्रेड को बाहर निकालने का, क्योंकि ये तो 15 में से 15 नंबर तो बड़े आराम से ए ग्रेड अगर दिखाने ना पेरेंट्स को, ए ग्रेड आते हैं हमारे, तो बहुत सिंपल है, हर लेक्चर में अच्छा सा परफॉर्म कर दो आपकी ग्रेडिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इससे अच्छा मौका क्या होगा सोचो ना, ऑब्जेक्टिव में निकालना कितना मुश्किल है। नहीं सर, तो इसी बार से स्टार्ट करूंगा, क्यों करूंगा मैं इस बार से, एक बार सीरियसनेस तभी आएगी ना जब एक बार हो चुका आएगा। अगली बार कोई बात नहीं, अब तो 12-13 टेस्ट होने होने हैं रोज, हर टेस्ट उसमें क्या है, ये तो चलता रहेगा। और संडे के लिए बी प्रिपेयर्ड वेव एंड रे ऑप्टिक्स फुल सब्जेक्टिव, वेव का हो चुका ना, नहीं रे का फुल सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव, हाँ लिखने वाला न्यूमेरिकल्स एक लेवल तक, बहुत टेढ़े मेढ़े रे डायग्राम नहीं देने मुझे, रिफ्लेक्शन भी नहीं देनी मैंने, लेंस तक दूंगा मैं, जैसे मैंने क्लास में करवाए थे ना उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल तरीका, 1/V 1/U, कोई लेंस मूव नहीं करेगा, कोई मिरर मूव नहीं करेगा, बहुत ही सीबीएसई लेवल जिसे बोलते हैं, बस ये स्कूल लेवल की तैयारी है और कुछ नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जब हो आपको टाइम मिले, कम से कम दिवाली के बाद जो भी संडे आएगा, मतलब जो भी होगा, क्या करेंगे दिवाली में, ये तो करना ही करना है यार, क्या चाहते हो, चाहते क्या हो, आप यार आप चुप करके पढ़ते रहो, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं, रे ऑप्टिक्स आएगा वो आपको आता है, रो तो टेस्ट देते हो, वेव ऑप्टिक्स आएगा वो तो आएगा नहीं, चलो छोड़ दो, अगर ये कुछ आएगा ये भी तो रो टेस्ट दे ही रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, अगर आएगा वो तो मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा, ड्यूअल नेचर करने दो, जरा एक चैप्टर खत्म करने दो तब आएगा मजा, अगली क्लास में जो आज का लेक्चर है उसका टेस्ट है, ठीक है ना, आज के लेक्चर का टेस्ट है अगली क्लास में। ओके, नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर, ये कुछ नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि टॉपिक अलग है, ये टॉपिक कुछ नहीं है, ये सब एक जैसे हैं टॉपिक सारे केमिस्ट्री के, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस का मतलब जो हमारी लाइट आ रही है उसकी दो नेचर है, दो नेचर कैसे है कि इसकी पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल नेचर का मतलब कि लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फोटोन्स नहीं होते, पार्टिकल नेचर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं वेव नेचर है क्योंकि ये तो वेव की तरह ट्रेवल करती है, वेव फ्रंट की तरह ट्रेवल करती है, तो एक्चुअल में कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो वेव नेचर से प्रूव किए गए हैं, कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जिसमें फोटोन्स की थ्योरी सही बैठती है, तो ये अब किसी ने लाइट के अंदर जाके देखा नहीं, ये सिर्फ फिर से हमारी एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस है कि ऐसा हम मानते हैं, ठीक, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट फोटोन से ही प्रूव किए जा सकते हैं, जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव्स उसका आंसर दे नहीं पाएगा, तो इसलिए इसकी दोनों नेचर्स हैं। तो इसको फोटोन्स क्या चीज है, एनर्जी के पैकेट्स, ठीक, ये आपको याद रखने, एंड दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट ही लाइट फोटोन से बनी हुई है, तो जो लाइट की स्पीड है वही फोटोन्स की स्पीड है। नेक्स्ट है, इसमें इसकी कुछ थ्योरी है, इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली सोर्स ऑफ रेडिएशन एमिट्स एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, मुझे मालूम है कि जो लाइट के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको फोटॉन्स बोलते हैं, सेकंड है एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय एच इनटू न्यू, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अब चाहे फ्रीक्वेंसी का मतलब तो वेव नेचर है पर एनर्जी निकालने का तरीका यही है, दोनों नेचर है इसकी, एच इनटू न्यू या एच सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट है ऑल फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम सोर्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, याद करने में फायदा हो जाएगा,
सुनते रहो फटाफट पॉइंट. देयर इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन इन डिफरेंट मीडिया. क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड अगर चेंज होती है तो फोटोन की स्पीड भी चेंज होती है. नेक्स्ट है मास ऑफ द पार्टिकल. ये तो नॉर्मली हम यूज ही नहीं करते अपनी नॉर्मल फिजिक्स में कि अगर कोई पार्टिकल बहुत तेज मूव करे तो साइक्लोट्रॉन भी हमने डिस्कस किया था तो उस पार्टिकल का मास चेंज हो जाता है बाय दिस फॉर्मूला एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. फोटोन का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रॉपर्टीज है. दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पकाएंगे और जो भी कॉम्पिटिशन में बैठोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर 100-101% क्वेश्चन आना ही आना है. देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो फोटोन्स इलेक्ट्रिक फोटोन्स गिरेंगे आपके फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर. कोई ऐसा मेटल सिलेक्ट किया जाएगा जो काफी सेंसिटिव है. सेंसिटिव बोलते हैं इसके बॉन्ड वीक है. उन वीक बॉन्ड वाले जो उनके एटम्स पे फोटोन्स गिरेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेंगे फोटोन से और इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के भाग जाएंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक हो गया यहां तक. तो बेसिकली क्या है कि इसको इस फिनोमेना में जो आपका सरफेस है जो आपका मेटल है कंडक्टर है वो फोटो सेंसिटिव होना चाहिए. ये नहीं कि आप प्लास्टिक के पे गिरना शुरू कर दोगे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो ऐसा मटेरियल जो कि फोटो सेंसिटिव है. तो इसमें क्या किया मान लो आप सब मटेरियल ना होते एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होते और आप सब इलेक्ट्रॉन्स हो आराम से बैठे हुए हो. मैं फोटोन हूं मैं आया मैं लाइट का पार्ट हूं और मैं आया मैंने इसको धक्का मारा. ये फोटो सेंसिटिव है. मेरे पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं इसको इसकी सीट से उठा सकूं. ठीक है. तो इसने कहा कि सर अगर आप मेरे को हिलाना चाहते हो ना या निकालना चाहते हो तो 10 जूल की एनर्जी लेके आओ. तो मैंने पूछा ये 10 जूल की खास बात क्या है. ये बोलता है ये मेरा वर्क फंक्शन है. सुना हुआ है वर्क फंक्शन. तो इसका वर्क फंक्शन है. तो मैंने कहा ठीक 10 छोड़ 15 जूल की एनर्जी ले. ये मेरे पास मेरी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है और मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि जब तू एच इनटू न्यू करेगा तो मेरी एनर्जी कितनी आ जाएगी 15 जूल. तो ले फिर 10 जूल. तो मैंने इसके बॉन्ड तोड़ दिए. अब ये फ्री है. अब ये सीट पे खड़ा जमीन पे खड़ा हो जाएगा. सीट छोड़ देगा. खड़ा हो सकता है कोई बात नहीं. हो जाए कोई बात नहीं. इसने अपनी सीट छोड़ दी. इसने नहीं भागेगा नहीं क्योंकि अभी तक मैंने इसको कितनी एनर्जी दी 10 जूल दी. नहीं अभी मान लो नहीं अब इसको देख के बोलो ना भागा नहीं ना. अगर ये चलेगा तो 15 मान लो. अभी तक मान लो मैंने 10 जूल दी. ये खड़ा हो जाएगा. ये फ्री हो गया. अगर मैंने 1 जूल भी ज्यादा दे दी 2 जूल 5 जूल तो ये चलना शुरू कर देगा. और आप सारे अगर चलना शुरू कर दोगे तो उस केस में इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी. ठीक हो गया यहां तक. समझ आ गया यहां तक. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वर्क फंक्शन समझ आया. इसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इसको हिलाने के लिए. मैं दूंगा फोटोन एनर्जी देगा एच इनटू न्यू शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन. और सपोज करो मैंने इसको 15 दी 10 तो मेरी खराबी हो गई एक तरीके से इसको सिर्फ सीट से उठाने के लिए. तो अल्टीमेटली ये मूव कितनी एनर्जी से करेगा 5. तो ये कहेगा अगर मैं इसे पूछूंगा तेरी वेलोसिटी कितनी है तो ये कहेगा 5 स्क्वायर. ये भी निकाल लेगा अपना. ठीक हो गया. आता चैप्टर तो मैंने आपको ऐसे सिखा दिया ताकि आप कुछ समझदार हो. अभी एक्सपेरिमेंट से और अच्छे समझ जाओगे. यहां तक तो क्लियर है ना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है कि इट इज अ फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स होता है. सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड. फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी जनरेट होनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं. इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्सपेरिमेंटल स्टडी है. डायग्राम डोग्राम कोई चक्कर नहीं है इसमें. जैसा मर्जी बनाओ. बस ये शो कर रहा है कि ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है. फोटो इंसिडेंट रेडिएशन आई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू करते हैं. इसका कोई रोल नहीं. समझने में इसका कोई टेंशन नहीं. आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना मोर देन सफिशियंट है. ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला. ऑपरेटर्स कुछ करने की जरूरत नहीं है. टॉपिक को करने की जरूरत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है एक नंबर का ग्राफ प्लॉट. ग्राफ्स आए हैं ना तीन चार ग्राफ में से एक ग्राफ पक्का आएगा. क्या वेरिएशन है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब समझ लो एक बार.
इंटेंसिटी का मतलब, का मतलब नहीं, ये वो इंटेंसिटी नहीं है, नहीं ये वेव्स नहीं है, ये वेव्स नहीं है, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इस चैप्टर में नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी है। हाँ मैं समझ सकता हूँ वेव्स के साथ मिक्स करके हो गए एनर्जी, नहीं इसमें वो नहीं है, वो वेव्स के अंदर होता है एम्पलीट्यूड एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसमें इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आना। मैं अभी अकेला आया था, मैं एक फोटोन हूं, तो मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को हिला पाया। अगर मैं एक और बंदा साथ ले आऊं अपने जैसा, तो हम मिलके दो इलेक्ट्रॉन को हिला देंगे। अगर मैं तीन ले आऊं, तीन हिला देंगे। अगर मैं दस ले आऊं, दस हिला देंगे। और इस क्लास में अगर 48 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 28 लोग ले आऊं, तो 28 इलेक्ट्रॉन हिल जाएंगे। ठीक हो गया, एक फोटोन दो नहीं ला सकता, ये लॉ है। हाँ नहीं कुछ नहीं हो सकता, जितनी मर्जी एनर्जी ले आओ, ये तेज भागना जरूर शुरू कर देगा, पर ये दूसरे को नहीं देगा। अब जैसे कोई लोग मैसेज कर रहे हैं, अब वो हो सकता है लेट हिलें, ठीक, तो वो हो सकता है लेट हिलें, बट उन पे असर ही नहीं होता, प्रॉब्लम ही है। अब एक्सपेरिमेंट इस पे चल रहा है, तो दूसरा सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है, सेम है, तो वो लोग मैसेज कर रहे होंगे और सिर्फ यही हिलेगा। ठीक, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये रूल है, क्योंकि बेसिकली मैं बताता हूँ क्या चक्कर है, दिस इज बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन सिर्फ 1/1 ऑब्जेक्ट में होती है, 1:1 होती है। तो इसको मैं अभी लॉज है, इसके लॉज में समझाऊंगा, पर अभी मैं ये नहीं समझाना चाहता, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा कर दूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा। इस करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, याद रहे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो नंबर ऑफ अगर फोटोन्स बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ा दूं, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, करंट बढ़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, सही? लेकिन इसमें बेसिकली आपकी बुक्स में ग्राफ ठीक बनाया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ग्राफ बनाया हुआ है, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं यहां तक समझता हूं कि ये ग्राफ ऊपर जाके ना कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मैं 30 लोग ले आता हूं अपने जैसे, क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, 28, तो क्या करूंगा मैं 200 लोग ले आता हूं, आप तो 28 ही हो, मतलब आप में से जितना करंट मैक्सिमम मैंने निकालने हैं उसकी एक लिमिट है ना, ये थोड़ी ना कि मैं जितना इनफाइनाइट करंट निकालना शुरू कर दूंगा। तो ये ग्राफ इस अजम्पशन के साथ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत 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 ज्यादा होते हैं और फोटॉन्स का अमाउंट कम होता है, तो उस केस में ठीक है, जितने फोटॉन्स बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा मूव करते जाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर है यहां तक? ग्राफ क्लियर है तो और डिटेल कुछ नहीं पढ़ना, बस ग्राफ क्लियर है, एक नंबर का किया जाता है। नेक्स्ट है, सपोज करो, अब और इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो, क्या इस एक्सपेरिमेंट को समझ, एक ना टर्म यूज हो रही है जिसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग, रिटार्डिंग का मतलब रोकने का पोटेंशियल। दो तरीके के पोटेंशियल होते हैं, एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो किसी पार्टिकल को चलाते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं, और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो चलते हुए पार्टिकल को रोकते हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन था, फोटोन आया, ये फोटोन आया इलेक्ट्रॉन पे गिरा, इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया। ठीक, मैंने फोटोन को कितनी एनर्जी दी थी, 15 जूल, इसका वर्क फंक्शन था 10 जूल, ये मूव करेगा विद 5 जूल। ठीक, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, ठीक, और अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, मैं इसको रोकना चाहता हूं, अगर मैं रोकना चाहता हूं तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा कितने अमाउंट का, 5 जूल का, तो ये रुक जाएगा। रोकने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन को 5 जूल से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, दो प्लेट्स लगा दो, माइनस एंड प्लस, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस प्लस माइनस। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा इसके आसपास,
तो माइनस चार्ज को ये माइनस क्या कर देगा, रिपेल, और इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। ठीक है ना, यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बीच में आ गया, यहां तक क्लियर है? तो मैंने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया प्लस माइनस के बीच में, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। ये समझ आ रहा है? ठीक है ना यहां तक। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी हमने डिस्कस किया, किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये एनर्जी इसकी अपनी तो है नहीं, फ्री में थोड़ा आई है, किसने दी थी? फोटोन ने, अल्टीमेटली तो फोटोन ने दी थी ना। तो फोटोन के पास जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे मैं इसको, इसको हिलाने के लिए 10 जूल चाहिए थे, मैं 15 नहीं देता इसको, मैं ज्यादा स्ट्रांग फोटोन हूं, मैं 25 देता हूं। तो अब ये मूव करेगा विद एनर्जी ऑफ 15 जूल, 15 जूल को रोकने के लिए ज्यादा डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा। मैं अगर और बड़ा फोटोन हूं और हाई एनर्जी फोटोन हूं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं ज्यादा कर दूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप क्या करोगे, ज्यादा अप्लाई करोगे। और मैं अगर स्ट्रांग फोटोन हूं, मेरी एनर्जी ज्यादा है, तो मेरी एनर्जी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रही है, मेरी फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है मीन्स मेरी एनर्जी ज्यादा है, मेरी एनर्जी ज्यादा है तो मैंने इसकी एनर्जी भी ज्यादा करनी है, और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा। थोड़ा सा और ध्यान से सुनना, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, अगर कोई मिस कर गया बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ चलती रहेगी एक घंटे तक, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं अपने जैसे 100 लोग ले आया आपको हिलाने के लिए, 100, ठीक। अब क्या होगा, क्या ये जरूरी है आप सब हिल जाओगे अपनी सीटों से? बच्चे ले आया छोटे छोटे जिनकी फ्रीक्वेंसी कम थी, उन बेचारों की एनर्जी बहुत कम थी, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था, 10 जूल था, बच्चों की फ्रीक्वेंसी छोटे छोटे फोटॉन्स की जो एनर्जी थी वो 8 जूल थी, ये कहता मैं नहीं हिलता। ठीक हो गया, ठीक है ना यहां तक? आप सबने कहा हम हिला के दिखाओ, हम नहीं हिलते, ठीक बोल रहा हूं? इसका मतलब अगर आप ये सोचते हो कि हमने इंटेंसिटी ज्यादा कर दी, हम 1 करोड़ लोगों को ले आएंगे आपको हिलाने के लिए, 1 करोड़ फोटोन लेके आऊंगा, अगर उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या करूंगा, कुछ भी नहीं हो सकता, आप लोगों ने हिलोगे, नो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट विल बी जनरेटेड। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? अब फ्रीक्वेंस सब कुछ इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। चाहे मैं 2 लोग लेके आऊं, कम से कम उनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होनी चाहिए, उनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि स्टॉपिंग जो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए और वो क्रॉस करनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत करंट जनरेट हो जाए। क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? कोई होगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो मना कर देगा कि कितना भी जोर लगा लो, वो कहेगा मैं नहीं सुनता, जैसे बोला तो अभी मैसेज कर रहा है, सोचो उसका वर्क फंक्शन कितना स्ट्रांग होगा।
से डिपेंड करता है वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन मटीरियल टू मटीरियल. देखो इसमें मैं बता रहा हूं, कोई बात नहीं, इससे बेटर ग्राफ है एक्चुअली, चिंता ना करो. देखो अब मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है. अब देखो इसमें मैं ऑब्वियसली अगर करंट का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो ये तो अज्यूम करके चलो कि वर्क फंक्शन को तो क्रॉस में कर ही दूंगा, ठीक है ना. नहीं तो फिर चैप्टर क्या स्टडी कर रहा हूं, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं मैंने जनरेट करवाना तो फिर मैं कर क्या रहा हूं, फिर तो चैप्टर ही क्लोज करके घर जाने वाली बात हो जाएगी. तो अभी चैप्टर तो चलाना है, तो वर्क फंक्शन से बड़ा हमने करना है. अब देखो अब मैं किसका वेरिएशन ड्रॉ, मैं ग्राफ किसका प्लॉट कर रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल का. अब इसमें सबसे पहली बात, जो फोटॉन्स आएंगे, मान लो दो रेडिएशंस गिर रहा हूं मैं, दो रेडिएशंस, एक एक तरीके की है एक दूसरे तरीके की है, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मैंने कॉन्स्टेंट माना, कॉन्स्टेंट, नहीं तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा. अज्यूम कर लिया कि लेट से दोनों रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है, तो दोनों रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी भी सेम है. ठीक हो गया यहां तक? दो मटेरियल्स नहीं है, मटेरियल सेम है, रेडिएशंस अलग अलग है. सुनो रेडिएशंस सेम है, ऐसे बोल रहा हूं, रेडिएशंस चलो सेम है लेकिन नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा, नंबर ऑफ फोटोन का, अब ठीक है, इंटेंसिटी के साथ कंपैरिजन है, सेम है. लेट से एक ही रेडिएशन है, एक ही मेटल है, एक ही रेडिएशन है, एक ही मेटल है, ऐसे कह लो, दो रेडिएशन नहीं कहते, छोड़ दो, एक ही रेडिएशन है, ठीक है. एक रेडिएशन, सुनो एक रेडिएशन है, एक रेडिएशन में मैं दो बताऊं क्यों कह रहा था, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि एक में चार फोटोन आए, एक में चार करोड़ फोटोन आए, मैं ये कहना चाहता था कि वो दो रेडिएशन है. तो एक में लेट से फोटोन आए, मैं इसको दो ही बोलूंगा, इसे दो रेडिएशन है, एक में नंबर ऑफ फोटोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक में नंबर ऑफ फोटोन कम है, तो एक की इंटेंसिटी कम है, एक की इंटेंसिटी ज्यादा है. ठीक हो गया? मैं और मेरे जैसा एक और, दो लोग आए, इसको हिलाते हैं, ठीक, हमारी एनर्जी सेम है और लेट से 15-15 जूल इसको देते हैं तो ये 5 जूल से मूव करता है. ठीक हो गया? और 10 जूल वर्क फंक्शन है, 5 जूल से ये मूव करता है. ठीक है यार, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं. मैं इंटेंसिटी बताना चाहता था बट चलो ऐसे कह लो, मैं यार अगर मैं साथ में लेके नहीं आऊंगा किसी को, फिर इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा? मेरे को ये तो बताना ही है ना कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ानी है. अब इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मेरे को और लोग पकड़ के तो लाने पड़ेंगे, अकेले से काम नहीं चलेगा. चलो ऐसे करते हैं, हम दो लोग आए, हम दोनों ने इन दोनों को हिला दिया. अब ठीक है, हम दोनों के पास 15-15 जूल की एनर्जी थी, इनके पास 10-10 जूल का वर्क फंक्शन था, तो ये दोनों 5 के साथ भागना शुरू कर दिया दोनों ने. अब ठीक है, इनको आप लोग रोकना चाहते थे तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल वी, और 5 जूल के कॉरेस्पॉन्डिंगली आप ई इंटू वी एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इतनी एनर्जी अप्लाई करोगे तो ये रुक जाएंगे. ठीक हो गया? तो वी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट करें, देखो आगे देखो. सपोज करो मैं अपने जैसे 400 लोग पकड़ लाता हूं, तो मैंने अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी पर मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखी, यानी कि हम 500 या 400 लोगों के पास एनर्जी की वैल्यू 15 जूल या 15-15 जूल सबके पास. अब क्या होगा? अब उस केस में मैं पूरी की पूरी क्लास को हिला दूंगा, ठीक, सारे के सारे भागेंगे विद एनर्जी ऑफ 5 जूल. ये चीज क्लियर है? यानी कि करंट तो बढ़ेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन, क्योंकि हर की एनर्जी कितनी है? 5 जूल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये समझ आया आपके ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है? क्योंकि इस ग्राफ में ये अजम्पशन है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट है, I2 इज ग्रेटर देन I1 है,
I2 greater का मतलब है कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम आएगा। ये पॉइंट क्लियर है कि जितने ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी फोटोन ज्यादा करंट ज्यादा, फोटोन्स कम करंट कम, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू विल रिमेन सेम। ग्राफ क्लियर है? वर्क फंक्शन नहीं, मेटल सेम है, ये एक ही मटेरियल के पार्ट है, ये एक ही शीट एक ही फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो दो नहीं फिर तो ग्राफ नहीं बन पाएगा, कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा फिर। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है उल्टा। इसमें सपोज करो इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है, मतलब कि मैं अपने जैसे 400 लोग ले आया और हर बार मैं 400 लेके आता हूं, मैं चेंज नहीं करूंगा, तो इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। बट अब सपोज करो मैं दो रेडिएशंस दो बार काम करूंगा, दो बार काम करने का मतलब पहले मैं जो 400 लोग ले आया उन 400 लोगों की जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा थी, लेट से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी का मतलब एनर्जी की वैल्यू ज्यादा थी उन फोटॉन्स की, और जो सेकंड रेडिएशन यानी कि दूसरे 400 लोग लेके आया और 400 ही लेके आया, क्योंकि इंटेंसिटी को क्या रखना है मैंने इस केस में कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि मैं अफेक्ट करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, मैं इंटेंसिटी के साथ नहीं करना चाहता, तो इंटेंसिटी के साथ तो मुझे मालूम है इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट है हर बार 400 लोग, लेकिन कुछ लोग ज्यादा स्ट्रांग है कुछ वीक है, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एक की फ्रीक्वेंसी कम है, हाँ लेकिन ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपके वर्क फंक्शन तो एनर्जी ज्यादा मेरे पास है ही है, चाहे आप फर्स्ट रेडिएशन लगा लो चाहे आप सेकंड रेडिएशन लगा लो, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी ही है दोनों केस में। फिर देखो क्लास बैठी हुई है, सब इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, 400 लोग आते हैं पहले एक्सपेरिमेंट में, फिर वो 400 लोगों की टीम की जगह मैं एक नई टीम लेके आता हूँ 400 लोगों की, यानी अलग अलग लोग हैं, तो इट मींस एक फ्रीक्वेंसी न्यू टू पे काम करेंगे एक फ्रीक्वेंसी न्यू वन पे, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन सेम है तो आई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ठीक हो गया? तो ये जो फोटोन आए थे मान लो न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन, ये जो फोटोन आए थे इनके पास एनर्जी ज्यादा है इनके पास एनर्जी कम है। ठीक, फिर तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ, तभी तो कह रहा हूं 400 लोग ही आएंगे कम ज्यादा नहीं करने, ठीक है ना, 400 लोग का मतलब दोनों केस में इंटेंसिटी की वैल्यू नंबर देखना है, नंबर तो नहीं चेंज किया ना, करें स्टार्ट। अब जो 400 लोग पहले आए थे उन्होंने उनके पास एनर्जी 25 जूल की थी, आपका वर्क फंक्शन तो 10 जूल का था, यानी कि आप लोग मूव करोगे विद एनर्जी ऑफ 15 जूल, पहला केस। जो दूसरे लोग आए उनके पास जो फोटोन की एनर्जी थी वो 15 जूल ही थी, आपको तो 10 जूल चाहिए हिलाने के लिए, तो अब आप मूव करोगे विद एनर्जी ऑफ 5 जूल, मतलब जितनी हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन की होगी हाफ एमवी स्क्वायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी कम होगी फोटोन की हाफ एमवी स्क्वायर की वैल्यू उतनी कम होगी, अगर ये हाफ एमवी स्क्वायर ज्यादा हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा इनको रोकने के लिए, और अगर ये एनर्जी कम है इसको किसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा ई इंटू वी, तो वी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में कम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा किस केस में होगा जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अल्टीमेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था मैंने डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, अगर मेरी एनर्जी ज्यादा है मेरा न्यू ज्यादा है तो मैं इसको एनर्जी ज्यादा दूंगा, ये तेज भागेगा इसको रोकने के लिए पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, बता रहा हूं उसका मतलब क्या है, ये चीज क्लियर है? अब देखो यहां पर आ जाए, ये न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन केस है, लेकिन एक चीज याद रही, क्योंकि लोग तो 400 ही आए थे तो करंट की वैल्यू इन दी एंड सैचुरेशन करंट सेम हो जाएगा, क्यों 400 लोग 400 इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, दूसरे 400 लोग भी 400 इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे, क्योंकि एक फोटोन एक को मूव करवाता है तो 400 को करवाएंगे, इन दी एंड कहने का मतलब कि ठीक है शुरू में आपका करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ठीक है वेरी करेगा,
लेकिन बाद में अल्टीमेटली जब सारे मूव करना शुरू कर देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी सेम हो जाएगी लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो रहे हैं इसमें सेम है इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है ना इसलिए यहां तक क्लियर है अब ये शो कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को ना वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वी नॉट फॉर सेकेंड रेडिएशन इज ग्रेटर देन वी नॉट फॉर फर्स्ट रेडिएशन इसका मतलब ये है मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम है इसका मतलब ये है आपको नाल क्या कह रहे थे ठीक है कंफ्यूजन है क्लियर है ना यहां तक मतलब इन ग्राफ्स की थ्योरी पढ़ने की आपको घर जाके कोई जरूरत नहीं है एक एक नंबर ग्राफ आना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें अगर आपको मेरा एक्सपेरिमेंट समझ आ रहा है तो कुछ नहीं करना बस वैसे ग्राफ बन जाएगा ठीक है यहां तक नेक्स्ट है और इसमें करने की कोई जरूरत है ये सेम है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इंटेंसिटी आई टू ग्रेटर देन आई वन है तो रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी इनमें सेम क्योंकि इंटेंसिटी चेंज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो समझो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है तो मतलब ग्राफ को करने की जरूरत नहीं है एक दो ग्राफ बार बार रिपीट ही हो रहे हैं और कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें ये भी सेम है कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू थ्री ग्रेटर देन न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी थ्री ग्रेटर देन वी टू ग्रेटर देन वी वन कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ ये देख लो नेक्स्ट जो अलग तरीके का ग्राफ है ना बाहर फेंक दूंगा सबके पेरेंट को फोन करवा दूंगा मोबाइल फोन मत भेजा करें
dropping potential ke sath graph. Shivam, silence. Shivam, dekho kya graph plot karne ja rahe hain hum. Basically ab main assume kar raha hu ki meri jo frequency hai wo kam bhi ho sakti hai stopping potential se, ya rather stopping potential meri jo frequency hai threshold frequency se, ki agar work function 10 joule hai maan lo kisi bhi electron ka, work function energy hai aur frequency ki form mein is energy ko h into nu naught likh sakte hain hum kuch aise. Is nu naught ko bolte hain threshold frequency. ठीक है, तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी जो मैं फोटॉन्स की दे रहा हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हो जाए, इसका मतलब मैंने जो एनर्जी दी वो वर्क फंक्शन से बड़ी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा. पॉइंट क्लियर है यहां तक? आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री में. तो इसको ग्राफ की फॉर्म में कैसे प्लॉट किया? दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी है. दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या काम मैं बताता हूं. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, ठीक है, तो यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद 5 जूल. अगर आपने ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, ये तो चेंज नहीं हो सकता. अगर आपने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो आपकी इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, ज्यादा तेज मूव करेगा. ठीक है ना? ये इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज फोटोन्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फोटोन की जो एनर्जी है, लेट से फोटोन की एनर्जी 15 जूल है. इलेक्ट्रॉन को हिलाने के लिए वर्क फंक्शन चाहिए 10 जूल. इलेक्ट्रॉन मूव करेगा विद 5 जूल. मींस 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 5. ठीक है ना? 15 का मतलब फोटोन की एनर्जी, 10 का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, और 5 का मतलब हाफ एमवी स्क्वायर. ठीक हो गया? या फिर हाफ एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. कांस्टेंट है, कांस्टेंट है. मैं जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, मतलब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट हुआ, लेस देन न्यू नॉट हुई, तो ये टर्म मेरी क्या जाएगी? नेगेटिव. और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नॉट अलाउड, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा. यानी कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं. काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं तो आप रोकोगे किसे? किसी भी नहीं. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? 0. स्टॉपिंग पोटेंशियल तब लगाओगे ना जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनर्जी के साथ. ठीक, तो इलेक्ट्रॉन तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. तो मान लो आपकी एनर्जी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, अब आपका ग्राफ यहां से चलना स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो स्टॉपिंग मींस आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल. जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वी नॉट बढ़ेगा. तो सही है ना? तो इस केस में क्या हो रहा है, जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन यहां के बीच में कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट तब स्टार्ट होगा व्हेन न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. ठीक है, यहां तक कोई डाउट है इसमें? क्लियर? एक लाइन ये लॉज देख लो एक बार, ये आपको आते हैं, मैंने बता दिए हुए हैं. मैं तो पहले भी आधा चैप्टर तो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर ही चुका हूं कि फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. वो तो मैं बता ही चुका हूं. क्लास में जितने लोग भागेंगे, 10 लोग भागे, समझो 10 फोटोन्स आ गए, 15 भागे, 15 फोटोन्स आ गए, जितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे समझो इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा है. नेक्स्ट है, फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो पाएगा जब तक फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड नहीं होगी. थर्ड है,
अबव थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था विद काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये पॉइंट समझ आया? डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, क्यों? इस ये कितनी एनर्जी से भागा वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, मेरी फ्रीक्वेंसी पे। क्या ये डिपेंड करेगा कि मैं 400 लोग लेके आया हूं कि 4 लोग लेके आया हूं? क्योंकि इसको तो एक नहीं स्ट्राइक करना है और मैं अकेला बहुत हूं, तो इसलिए जितनी तेज ये भागेगा वो मेरी फ्रीक्वेंसी या मेरी एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ना कि नंबर ऑफ फोटोन्स पे। ठीक है ना यहां तक? और लास्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दैट इज जैसे ही आप स्ट्राइक करते हो, एक फोटोन स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली चल पड़ता है और इसको कंसिडर किया जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? चलो, मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स ये चैप्टर नेक्स्ट टाइम क्लोज हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी आपकी वाली। ठीक है ना? असाइनमेंट का काम मैं नेक्स्ट टाइम ही दूंगा आपको, होमवर्क दूंगा ज्यादा, क्योंकि मैं इतनी असाइनमेंट अगर करवाने बैठ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि तीन चार लेक्चर तो इसी में कंज्यूम हो जाएंगे, तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी मेरी, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। आप नहीं करोगे मैं नहीं करवाऊंगा, सिंपल है, पढ़ के तो आना पड़ेगा ही। नेक्स्ट टाइम प्लीज टेस्ट के लिए पूरे शार्प 5 मिनट पहले 7:25 पे आ जाना, ताकि टाइम खराब ना हो। ठीक है ना? हाँ, यहां तक आएगा, ग्राफ तक आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा बस 2-4 मिनट में, ज्यादा लंबा नहीं, और 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है ना? और मोबाइल फोन्स प्लीज यूज बंद कर दो। वैसे मैं अभी घर में रिपोर्ट कार्ड के लिए फोन करूंगा ना, मैं पेरेंट्स को कहूंगा इनके मोबाइल फोन बंद करो। सबके घर करूंगा जी, आप स्पेशल हो।